नमस्कार, मैं हूं नदीम खान। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। यूपी पंचायत चुनाव 2021 में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। नई आरक्षण लिस्ट ने तोड़े कईयों के सपने। कुछ प्रत्याशियों ने तो निकाला जुगाड़। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुड़वा विकास खंड में ग्राम नारायणपुर में सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने प्रधानी का सपना टूटता देख पिछड़ी वर्ग की महिला से रचाई अपने बेटी की शादी। कहीं खुशी कहीं गम, नई आरक्षण लिस्ट ने तोड़े कईयों के सपने, कुछ ने निकाला जुगाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। देवरिया पंचायत चुनाव के लिए नई आरक्षण सूची जारी होने के बाद देवरिया जिले के गांव की राजनीति बदल गई है। नई सूची आने के बाद से कईयों के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर ब्रेक लग गया है, जबकि कई उम्मीदवारों के चेहरे खिले हुए हैं। खासकर जो काफी दिनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनकी सीट का आरक्षण बदल जाने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। आरक्षण बदल जाने के बाद भी गांव की सत्ता पाने के लिए कई दावेदारों ने उपाय तलाश लिए हैं। जिले के दो संभावित उम्मीदवारों ने तो अंतर जातीय शादियों तक कर ली हैं। पंचायत चुनाव के ऐन मौके पर संभावित उम्मीदवारों द्वारा की गई इस तरह की शादियां इलाके में चर्चा का विषय बनी है। जिले के तरकुलवा विकास खंड में एक गांव का प्रधान पद वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। पिछली सूची में वह गांव सामान्य जाति के लिए आरक्षित हो गया। नई सूची में गांव का आरक्षण बदल गया और वह गांव पिछड़ी महिला के लिए आरक्षित हो गया। गांव का प्रधान बनने का सपना देख रहे सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे का निकाह पिछड़ी जाति की लड़की से कर दिया। अब वह अपनी नई बहू को प्रधानी का चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं। इस बात की चर्चा क्षेत्र में जोर शोर से है। कहता है कानून, नियमानुसार शादी के बाद भी लड़की की जाति नहीं बदलती। जैसे अगर किसी पिछड़ी जाति की लड़की किसी सामान्य वर्ग के लड़के से शादी कर ले तो लड़की पिछड़ी जाति की ही रहेगी। इसी तरह अगर कोई सामान्य जाति की लड़की पिछड़े वर्ग के लड़के से शादी कर ले तो लड़की सामान्य वर्ग की ही मानी जाएगी, उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम बीचू शर्मा है। मैं शर्मा बिरादरी से हूं और ये सिराज अहमद सरफराज के पुत्र हैं। इनकी शादी पिछड़ी वर्ग के एक अंसारी के लड़के से हम लोगों ने कराया है। और क्यों कराया है, इसलिए कि ये समाज सेवी आज 10 साल से हमारे गांव की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सबके साथ रहते हैं। इसलिए हम लोग पूरे गाँव के लोग मिल करके इनको खड़ा किए हैं कि आप जो है हमारे वहाँ चुनाव लड़े और हम लोगों का डेवलपमेंट हो। ये जो इस बार आरक्षण का सीट पिछड़ी में हो गया, इससे हमारे शुभचिंतकों को बहुत निराशा महसूस हुई। तो हमारे पिताजी ने निर्णय लिया कि पिछड़ी जात की लड़की से शादी कर लिया जाए और उसके बाद उस गांव का प्रधानी लड़ा जाए और जीतकर लोगों की वैसे ही सेवा किया जाए। और हम इस शादी से बहुत खुश हैं, इसलिए क्योंकि हम जैसे चाहते थे समाज सेवा, अब हम वैसे कर पाएंगे। और हमें लगता है कि इस दुनिया में जात पात नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जात, और सभी धर्म यही कहते हैं कि समाज सेवा सबसे पहले है। और यही बात अगर हम नहीं, हमारे देश के सारे युवा चाहें तो हमारा देश विकास की उन्नति के आगे बढ़ते रहेगा। ये जो सीट हुआ है पिछड़ी हो गया बता रहे हैं आप, और अपने बेटे की शादी के क्या प्रबंध? मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं ग्राम सभा नारायणपुर का निवासी हूं, जो तरकुलवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पिछली बार 2015 में मैं ग्राम सभा का चुनाव लड़ा था, जो कुछ वोटों से चुनाव हार गया था। इस बार भी मैं समाज में बना रहा, लोगों के दुख दर्द में बना रहा। इस बार का जो आरक्षण आया, जिसमें हमारा गांव ओबीसी हो गया, जिसके वजह से मैं चुनाव से वंचित हो रहा था। मेरे पूरे गांव के लोगों का दबाव था कि आपको चुनाव लड़ना है, चाहे जिस रूप में लड़ें। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरा एक बेटा था सिराज अहमद, जिसकी शादी नहीं हुई थी, मुझे शादी करना था। तो मैं मुस्लिम बिरादरी के पिछड़ी समाज में अंसारी की एक लड़की से, जो कुशीनगर जिला के रहने वाले हैं, उनसे मैं दो दिन पहले कोहनूर मैरिज हॉल फाजिल नगर में मंगनी कर दिया।
और कल रात को मैं निकाह कराकर शादी संपन्न करा दिया ताकि मैं अपनी बहू को ग्राम सभा का प्रत्याशी बना सकूं ओबीसी सीट पर और चुनाव लड़ा सकूं। देवरिया से न्यूज़ नेशन वॉइस के लिए नदीम खान की रिपोर्ट।